हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, एक तरफ मैंने ये काट करके रखा हुआ है सोया, मेथी और आलू। तो चॉपिंग मेरी हो चुकी है, अब मैं इसको बस फ्राई करने जा रही हूँ। तो लंच में है सोया मेथी आलू की सब्जी और पराठे। तो सर्दियों का सीजन है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है स्पेशली, और फिर सीजन की चीज़ खा लो, बाद में एक बार सर्दियाँ चली गई तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी काफ़ी टाइम के लिए। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों के ऑयल को गर्म कर लिया था, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग जीरा। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज मसाला ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पड़ती हैं, बस हींग जीरा डाल करके हल्दी डाल दूंगी। उसके बाद जो आलू कट करके रखे हैं वो डालने, ध्यान रहे गैस एकदम स्लो हो, और हल्दी डालने के तुरंत बाद ही आप आलू डाल दीजिए ताकि जो हल्दी है वो जल ना जाए। उसके बाद मैं ऊपर से डालूंगी इसमें नमक मिर्च और मिक्स कर दूंगी। और जो भी पूरा सोया मेथी मैंने काट करके और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 बार पानी से, वो डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा, मतलब कढ़ाई पूरी फुल हो गई है, एक बड़ी कढ़ाई है। तो अभी मैं इसको चलाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसे चलाया तो पूरा ये चारों तरफ फैल जाएगी, पूरा मतलब वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर से नमक डाल करके इसको सॉफ्ट कर दूंगी। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की सी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कच्ची ज़्यादा लगती है, एक बार पकने के बाद ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ की नहीं रहेगी। तो तब तक, जब तक ये सॉफ्ट होगी तब तक मैं जो आटा है वो सेट कर लूँगी। तो तब तक मैं जो आटा है वो सेट करूँगी, तो जितनी देर में मैं आटा सेट करूँगी उतनी देर में जो सोया मेथी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से जब ये मॉइस्चर बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो इसका क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैंने एक कटोरे में आटे को सेट कर लिया है, आटे में कुछ नहीं डाला है, प्लेन है, चाहे तो जीरा नमक डाल सकते हैं, बट इस सब्जी के साथ प्लेन पराठे ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा आटा भी सेट हो चुका है। अब तक ये जो सोया मेथी है वो कितनी ज़्यादा कम हो गई है, अब मैं इसको चला सकती हूँ आराम से, ये बाहर नहीं फैलेगी, और वैसे ये बाहर बहुत फैलती चलाते वक्त, तो मेरे लिए इजी रहता है। आप अगर चला सकते तो चला लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपलसरी है बाद में चलाना। तो यहाँ पर मैंने चला करके उसको दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दिया है, गैस एकदम स्लो है और ढाक दिया है, अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी। तो मैंने दूसरी गैस पर पराठे बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया है, जब तक वो सब्जी बनेगी उस तरफ तब तक इधर सारे पराठे मैं सेक लूँगी। और जो पराठे हैं वो मैं देसी घी के बनाऊंगी, मोस्टली मैं देसी घी के ही बनाती हूँ, कभी कभी ऑयल के भी बना लेती हूँ, बट स्पेशली विंटर्स में देसी घी के पराठे खाने में बहुत अच्छा लगता है, और देसी घी फ़ायदा भी करता है, तो मैं हमेशा देसी घी के ही पराठे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लोइयाँ बना करके रख लूँगी, जितने मुझे पराठे सेकने हैं उसी के अकॉर्डिंग, और बीच बीच में सब्जी को भी चलाती जाऊँगी। तो लोई बना करके पहले रख लो, इजी होता है, एक एक लोई उठाते जाओ बेलते जाओ, मुझे इजी लगता है। तो ऊपर से मैं सब्जी में थोड़ा सा नमक मिर्च और ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसको ढक करके पकने दूंगी। तो हाँ भाई, मैं कह रही थी लोई बनाने से इजी रहता है, एक एक लोई उठाते जाओ और बेलते जाओ। वैसे क्या है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक पराठा बनाओ फिर लोई बनाओ फिर, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस मुझे लगता है। तो इस तरीके के मैं परत वाले पराठे बनाती हूँ घी लगा लगा करके, पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में इस तरीके से बनाने में। और आज का ये जो खाना मैं बना रही हूँ, जो लंच बना रही हूँ, वो मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, वो मैं करूँगी जाकर के मम्मी के घर। मैंने बोला है कि मम्मी मैं कुछ स्पेशल सा कर रही हूँ तुम्हारे लिए, स्पेशल सरप्राइज़ है। मैं उन्हें पता नहीं है कि मैं खाना लेकर के आ रही हूँ, मैंने उन्हें नहीं बताया, तो मैं अचानक से लेकर के जाऊँगी उनके लिए खाना। तो वहाँ पर बैठ करके हम सारे ही लोग लंच करेंगे। तो बस बहुत जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया है बहुत स्पीड में, कि हाँ मुझे जाना भी है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सारे पराठे भी सिक गए हैं, लास्ट का बचा है। उसके बाद मैं हल्का सा नॉर्मली क्लीन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं किचन की। जल्दी से मैं इसको साफ़ कर दूंगी और जो बचा हुआ पराठा है वो सेक दूंगी। उसके बाद इस खाने की मुझे पैकिंग भी करनी है वहाँ ले जाने के लिए। तो जो पराठे हैं वो मैंने ऑलरेडी से कैसरोल में रख लिए हैं, यानी कि हॉट पॉट में टिशू लगा करके। तो ये पूरा ऐसे ही मैं कैसरोल ले जाऊंगी, एक बैग में झोला टाइप है उसी पे रख करके। और ये जो आप देख रहे हैं स्टील का कटोरा, इसकी भी लिड है, तो ढक्कन वाला ही मैं ले जाऊंगी, तो इजी रहेगा सब्जी रखने में। तो इसी में मैंने सब्जी रख ली है, तो ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, गरम तो बने ही रहेंगे, गरम गरम हम लोग खा लेंगे। देखिए मैंने बैग तैयार कर लिया है, एक झोला है, इसी में सारी चीज़ें, बॉटल्स, दूध, बेटू के सारी चीज़ें रख ली हैं, और मैं मम्मी के यहाँ पहुँच गई हूँ। हाथ में बहुत ज़्यादा सामान हो गया था,
तो वो सारा कुछ है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने जो लंच है वहाँ पर कर लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। मतलब मम्मी के नए रूम पर खाना खाने में एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। देखिए इतना, एक थोड़ा सा कॉर्नर है जो बेड जहाँ पड़ा हुआ है वो मम्मी ने सेट कर लिया है ताकि यहाँ बैठने की जगह हो जाए, तो वहीं पर बैठ करके खा रहे हैं। आप लोग ये मत बोलना बेड पर खा रही हो, क्योंकि घर के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। एक मतलब देख सकते हैं आप, ये देखिए आना जाना लगा है, काम हो रहा है, पुताई हो रही है, घर में पेंट हो रहा है, तो इस चक्कर में कहीं और पॉसिबल ही नहीं था खाना। तो फिलहाल हम लोग बेड पे बैठ करके लंच कर रहे हैं, और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, मम्मी को भी अच्छी लगी, मुझे भी खाने में अच्छी लगी, एकदम अलग सा टेस्ट था सोया मेथी की सब्जी। लंच हो चुका है हम लोगों का भी, और पीछे माइंड मत करना, काम चल रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके की आवाज़ें तो आएंगी ही। मैंने सोचा व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि ऐसे ही कुछ ना कुछ आवाज़ें आ करके रह गई हैं। मैंने कहा चलो बात करती हूँ, आपको भी पता तो है कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो वही लेबर लोग कर रहे हैं। और मम्मी ने केवल जो बेड है वो एक साथ बैठने के लिए कर लिया था, ताकि हाँ बैठने की तो एटलीस्ट जगह हो जाए। बेड के अंदर वाला बेड के अंदर जा चुका है, बाद बाकी आधा सामान अभी बाहर रख दिया है, एकदम बाहर घर से। तो वही मैंने कहा कि चलो खाना ले आती हूँ मम्मी के लिए, खाएंगी हम लोग, खाएंगे बैठ कर साथ में। उसके बाद फिर शाम के टाइम देखते हैं, 5-6 बजे करीब यहाँ से निकल जाएंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी जब से आई है तब से काम में लगी हैं, तो उन्होंने इतना कर लिया है, पेंट हुआ है किचन में और पेंट से याद आया, देखिए कितना सुंदर कलर हो गया ना। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, पहले दिन आई मैंने ग्रीन कलर देखा, मैंने कहा यार इतना डार्क। हाँ जी आ जाओ आ जाओ भैया, मुझे नहीं पता भैया, आप फोन कर लो। तो वही मैंने पहले दिन देखा, मैंने कहा अरे इतना डार्क ग्रीन कलर अच्छा नहीं लगेगा कमरा, और मतलब नहीं डार्क कलर में घुटन सी होती है। बट जैसे ही कलर सूखा, देखिए कितना प्यारा कलर हो गया, देखिए इतना सुंदर प्यारा, एकदम सुआ पंखी सा कलर हो गया ना, लाइट ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है। जितना सूखता जा रहा है उतना ही लाइट होता जा रहा है। लाइट जलेगी तब अच्छा, लाइट जलेगी तब अच्छा लगेगा, अभी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, सो यही है। अभी ऐसा कुछ खास करने को था नहीं, तो खाना भी खाया था, तो खाना खा करके नहीं थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो बस भाई हम लोग लेट गए थे। तो मैं तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठी, उसके बाद घर आ गई हूँ, और यहाँ पर दे रही हूँ बेटू को दूध। मैं बॉटल उसकी छुड़वा रही हूँ पूरे तरीके से, तो मैं जो दूध है उसको कप में कर करके दे रही हूँ। बहुत ही मतलब नखरे लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, तो आजकल मेरा आधा टाइम तो इसी में जा रहा है हम लोगों का, कि यहाँ इसको दूध कैसे भी पिलाना है। तो हॉर्लिक्स उसे अपने आप डालना रहता है, उसकी एक ये ज़िद रहती है, तो हॉर्लिक्स मैंने उसे पकड़ा दिया, स्पून दे दी, अब वो दूध में डाल करके पी लेगी जैसे तैसे, मतलब पी लें जैसे भी पिए पी लें, बच्चा पी ले दूध तो वही बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं तब तक मम्मी के लिए चाय बना दूंगी अदरक वाली अच्छे से। मैंने आपको बताया कि मुझे अदरक नहीं पसंद है, और काफ़ी लोग बोलते हैं आप अदरक लहसुन खाने में यूज़ नहीं करती, तो हमें नहीं पसंद है ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, मतलब ज़्यादा क्या, तो इस वजह से नहीं खाती हूँ। और अदरक फ़ायदा तो करती है, वो तो सही कह रहे हो आप लोग, बहुत फ़ायदा करती है हर चीज़ में, बट मैं नहीं पी पाती हूँ, नहीं खा पी पाती हूँ, तो यही है। और मम्मी को और इनको काफ़ी अच्छी लगती है अदरक वाली चाय, तो मैं मम्मी के लिए फ़िलहाल बना रही हूँ। ये तो अभी आए नहीं है, अभी थोड़ी देर में आएंगे, इनसे बात हुई थी मेरी, इनको टाइम लगेगा, तब तक मैं मम्मी के लिए देखिए कड़ाकेदार अदरक वाली चाय बना रही हूँ सर्दियों में। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हूँ, बेटू देखिए कैसे तमाशे कर करके दूध पी रही है स्पून से, और जो मैं झोला ले गई थी वो भी अब सामान पूरा सेट करके रख दूंगी, बॉटल किचन में रख दूंगी, बर्तन भी किचन में रख दूंगी, सब सामान एक सा करके रख दूंगी। वहाँ पर काफ़ी काम चल रहा था, थोड़ी देर में भैया भी आ गए थे, जो मतलब वो लैंड ऑनर वो भी आ गए थे, और मम्मी ने हाउस हेल्पर भी बुलाई थी, तो वो सारा कुछ हुआ। फिर मैंने व्लॉगिंग वहाँ पर कर नहीं पाई, तो फिर मैं घर ही चली आई, मैंने कहा चलो घर चलती हूँ, घर पर भी काम है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है ना, बाहर का खुला खुला साफ, और ये जो रोड लाइट है जब वो जलती है ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है यहाँ पर, कितना खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है रात में ना। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं कपड़े उतारने गई थी बालकनी में, फिर मैं खड़े होकर के देखने ही लगी, फिर उसके बाद मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ मैं बालकनी में एक बार जरूर जाती हूँ, मुझे बाहर देखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बस अब मैं कपड़े उतार लूँगी थोड़ी देर बालकनी के नज़ारे लेने के बाद। यहाँ पर कपड़े ऑलमोस्ट सूखे हैं, पूरे तरीके से तो नहीं सूखे हैं मैं बोलूँगी, क्योंकि फिर अब मैं डाल सकती नहीं हूँ, गर्मियाँ होती तो रात में पड़े रहते, अभी क्या अगर डाल ले रखूँगी तो मैं रात में ओस में ये और ज़्यादा भीग जाएंगे, सूखेंगे तो कहीं नहीं भीग और जाएंगे, तो इस वजह से मैं सारे कपड़े उतार ले रही हूँ, बेटू के अलग कर ले रही हूँ, और अपने और मम्मी के अलग कर ले रही हूँ।
और सारे कपड़े मैं ऐसे ही एक जगह डाल दूंगी ताकि रात भर में थोड़ा सा इनमें हवा लग जाए। और इधर तब तक जो बेटू की मैडम है वो आ गई हैं, तो बेटू भी ट्यूशन पढ़ लेगी। इतनी देर से मेरे घर में वो कोहराम मचा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बेटू इतनी तेज रो रही थी, फुल वॉल्यूम, पूरी अपनी ताकत लगा करके वो रो रही थी। हम तीनों लोग उसी में, ना उसे जाना था, ना घर में रहना था, ना चिज्जू खानी थी, ना दूध पीना था, ना कुछ करना, मतलब किसी भी तरीके से बहुत चिड़चिड़ा गई थी एकदम से। फिर कैसे जैसे तैसे रोता हुआ ही उसे नीचे लेकर के भाग गए, कह रहे मैं इसे नीचे लेकर के जा रहा हूँ फिर ये शांत हो जाएगी। तो अभी वो थोड़ी देर पहले ही नीचे लेकर के चले गए, पूरा घर एकदम तहलका सा मच गया था। मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, बात करने तक का मुझे मौका नहीं मिला। तो जस्ट अभी रूम में आकर के बैठ गई हूँ, एकदम सर दर्द हो गया इतनी देर से। तो साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है ना, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, और आप लोगों के साथ भी मुझे बात किए बिना चैन नहीं पड़ता है। तो सारी चीज़ें, बस अभी मैं जा रही हूँ, कॉफ़ी बनाऊँगी जाके बढ़िया सी, सर में दुखन सी हो गई है, कॉफ़ी बनाती हूँ मैं जा करके। चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं कॉफ़ी। आप भी बनाइए जो आपको पीना अच्छा लगता है, चाय या कॉफ़ी, क्या अच्छा लगता है मुझसे बताना, मुझे तो कॉफ़ी अच्छी लगती है। बनाइए पीजिए, सर्दी को एंजॉय करिए बढ़िया से। उससे पहले मैं खाती हूँ अपना फेवरेट खाना। लो दो बची देखिए मेरा फेवरेट, सारी चीज़ें एक तरफ और ये बेसन खटाई एक तरफ, कुकी। और इस डब्बे का प्राइस भी मैं बता देती हूँ, 80 रुपीज़ का है ये, 200 ग्राम का, बट इसमें पूरा भरा रहता है, ये बेसन खटाई निकलती है। मम्मी खोलना इसको, एक हाथ से खुल नहीं रहा, तो मेरी जान है। पता है किस किस को पसंद है मुझसे बताना, इस तरीके के होते हैं। नान खटाई मुझे पसंद थी, मैंने नान खटाई मंगाई थी एक बार, बहुत पहले की बात है, गलती से बेसन खटाई लिया। तो मैंने कहा कि बेसन खटाई क्यों लिया, मुझे नान खटाई खानी थी, ये वो मैंने कहा। पर जब बेसन खटाई खाई तो मैं नान खटाई को तो भूल ही गई एकदम से, कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट, उससे भी ज्यादा टेस्टी रहती है। बहुत अच्छी लगती है। मेरा ये कितने डिब्बे खत्म किए मैंने, ये तीसरा है। मैंने एक डब्बा मंगाया, कह रहे अभी मैं जा रहा हूँ लेकर के आ रहा हूँ, देखा उधर से 5 डब्बे लेकर के आए, ये देखिए, कह रहे लोग खाओ, कितना खाओगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तब और ला दूंगा। ये देखिए दो बचे हैं अभी, तीसरा वो है, मम्मी कह रही एक दर्जन तो इसी के डब्बे हो रहे हैं, बहुत डब्बे हो गए, ये अभी खुले भी नहीं, देखिए पूरे भरे हुए, एक ये है एक अंदर रखा, जितना अच्छा लग गया कुछ कहने को नहीं। कभी कभी पति देव लोग ऐसे काम कर देते हैं कि दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है ना जब पति लोग हमारे लिए ये सब करते हैं, एकदम सारे शौक पूरे करते हैं, सारी जिद इच्छाएं सारी पूरी कर देते हैं। अच्छा मैंने एक दिन पोस्ट भी डाला था ना ऐसा करके, कि कौन कहता है कि जिद सिर्फ माँ बाप पूरी करते हैं शौक, और जिद पति अच्छा हो तो शौक भी पूरे होते, जिद भी पूरी होती। तो काफ़ी लोगों ने राइट 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 सब लोगों ने एग्री किया, और उसमें से 2-4 लोगों ने ऐसे भी बोला कि नहीं, माँ बाप की तरह कोई शौक जिद पूरा नहीं कर सकता। तो हाँ वो मैं एग्री करती हूँ, मैं उस कोट का ये मतलब ही नहीं था, माँ बाप को तो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, माँ बाप को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि किसी रिलेशन से कोई कंपेरिजन है ही नहीं। बट एक बात की बात थी, तो अगर पतिदेव अच्छे हैं तो सच में शौक और जिद सच में पूरी होती है, और ये नहीं कि वो माँ बाप की तरह पूरी करते हैं, पति अपनी जगह होता है, माँ बाप अपनी जगह होते हैं। तो बस समझने समझने की बात है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मम्मी से मंगाती, मम्मी भी शायद मेरे लिए इतना ला करके दे देती, 5 ला करके दे देती, मुझे सरप्राइज देती, जैसे हस्बैंड ने दिया। तो छोटी छोटी बातें ऐसे भी बहुत हजारों लाखों बातें हैं छोटी छोटी, जो हस्बैंड लोगों की दिल से छू जाती हैं जब ये करते हैं हमारे लिए हस्बैंड लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है, मुझे यही बताना था आप लोगों को। अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, मुझे बहुत ठंडक सी लग रही, थोड़ा सा लेट बैठ जाओ ठंडक लगने लगती है। देखिए दिन वाली भुर्जी रखी हुई है, अब इसके साथ में एक और यम्मी वाली चीज़ बनाऊँगी और फिर रोटी बनाऊँगी। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है थोड़ा सा तो लाइक कर देना, भूलेगा मत। तो जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय। मम्मी बाय बाय कर दो।